सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। अरे आरती भाभी, तुम काई करी रहा? आई जाओ जीजी, हम गुड़िया का कानो टीको लगाड़ी रही। हाँ भाभी, कालो टीको तो लगा लिया तुमने, पर एक अपना अस्पताल भी ले चलू टीको लगवा। हाँ वो कई बच्ची को अस्पताल के लेना। अम्मा 3 साल तक अपने बहन को टीको लगाने थे। हमको कहीं नहीं लगाड़ो, टीका एक कसम लगा लियो। अम्मा 3 साल तक का टीको लगाना जरूरी थे। फालतू की बात है, हमारे जमाने में तो यह सो कहीं नहीं होता था। हम जमानो बदली गयो, कब तक पुराना जमाने की बात न करोगा। तुमको जैसो दिखाया वैसा करो। हाँ भैया, जमानो तो बदली गयो, अब अपना भी बदलना छे। सही बात छे, अपन अस्पताल चला, बच्चा के टीको लगा देंगे। चलो अच्छा, बच्चा कार्ड रख लिया। चलो जी जी, रख लिया। हाँ यो कार्ड रख लिया। चलो नमस्ते भैया, आइए। अरे आज तो भैया भी आए, आइए बैठिए। हाँ दीदी, ये जितनी जिम्मेदारी एक ही छे उतनी मारी भी तो छे, हम भी समझने चाहूँ कि ये टीकाकरण का काई लाभ छे। अरे वाह भैया, आप तो बहुत अच्छे समझदारी का काम किए। भाभी जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड लाए हो आप? लाए। ठीक है, देखो भैया, ये भाभी का कार्ड तो आपने पहले से बना दिया था। बच्चे का जो स्वास्थ्य केंद्र में जन्म हुआ था, जब पहले अपन ने टीके, उसको 3 टीके लगा चुके हैं, है ना? वो 3 टीके होंगे, इसमें मैंने लिख के भी दी थी। ये देखिए, ये 3 टीके लग चुके होंगे। टीबी का, पोलियो की दवाई पिलाया और हेपेटाइटिस बी का टीका लगा। इस कार्ड पर सारे टीके जो मैंने आपको बताया है ना, उसकी पूरी जानकारी इसमें लिखी है, ये कौन सा टीका कब लगाया जाए। दीदी का ये टीका लगवाना बहुत जरूरी छे कहीं? हाँ भैया, ये बहुत जरूरी है, ये टीका लगाना जरूरी, क्योंकि इससे 7 जानलेवा बीमारियों से बचाव होता है। वो 7 जानलेवा बीमारी कौन सी है दीदी? हाँ भाभी, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा आपने पूछा। वो 7 जानलेवा बीमारी ये है, पोलियो की, टीबी की, डिप्थेरिया की, पर्टुसिस की, टिटनेस की, हेपेटाइटिस बी, और साथ में विटामिन ए की दवाई पिलाई जाती है 5 साल तक, 9 माह से 5 साल तक। तो क्या दीदी, ये सारी बीमारियों का टीके से इलाज हो सकता है? हाँ भाभी, इससे अरे ये बीमारियों से बिल्कुल रोकथाम हो जाएगी। बस शर्त ये है कि आपको टाइम से और समय समय पे टीका लगवाना है। दीदी महीना भर बाद तो हम काम धंधे के लिए गांव से बाहर जाएंगे, फिर टीके कैसे लगेंगे? आप कहीं भी जाएंगे तो ये कार्ड जरूर साथ लेके जाइए। इससे ये होता है कि आपके बच्चे को कब टीका लगा है, इसकी तारीख और माह लिखा रहता है। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं भी जाएंगे तो फिर वो मुफ्त और फ्री में टीके लगाए जाएंगे। अच्छा, इसका पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, और आपका बच्चा बीमारियों से बचेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जरूर से कहीं भी जाइए और स्वास्थ्य केंद्र पे जाइए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे, उप स्वास्थ्य केंद्र पर, प्राथमिक हॉस्पिटल पे, कहीं भी आंगनबाड़ी केंद्र पे भी जा सकते हैं और अपने ये कार्ड बता के बच्चे का टीका लगवा सकते हैं। टीकाकरण कार्य से पहले साबुन और पानी से अच्छे तरीके से हाथ पहले साफ करें। अब मैं किसी कपड़े या टॉवल से नहीं पोंछूंगी, ऐसी हवा में हाथ को सुखाऊंगी। बच्चे को टीका लगा देती हूँ। हाँ भैया, आपको ये ध्यान देना जरूरी हैगा कि ये इसमें से कुछ टीके एक बार लगते हैं और कुछ निरंतर लगते हैं। जब तक आपका बच्चा 5 साल तक नहीं रहता है, इस कार्ड में हमेशा आप देखते रहिए कौन सा टीका कब लगेगा, आप भी देख सकते हैं और आपके यहाँ के एनएम सिस्टर से या कोई जो भी कार्य करता है उससे पूछ सकते हैं और लगवा सकते हैं। 2.5 माह पर 2nd टीका लग रहा है, पोलियो, DPT और हेपेटाइटिस बी। इस कार्ड में मैंने पूरी जानकारी लिख दी हूँ कि आपके बच्चे को कौन सा टीका लग गया है, अब कौन से लगने वाला है, तो ये आपको पता रहेगा। इसका बड़ा वाला भाग मैं आपको दे रही हूँ और छोटा वाला भाग यह मेरे पास रख रही हूँ, ताकि ये आपको भी पता रहे कि कौन कौन से टीके लगाए गए हैं और हमें भी पता रहे और हमारे पास भी लिखा रहेगा कि आपको कौन से टीके लगाए हैं,
और आप समय से टाइम से आ सके टीका लगवाने, या आप कहीं भी जाए तो वहाँ भी लगवा सकते हैं टीके। वाजी जी, इसमें तो बहुत जानकारी दी। और ये उपस्वास्थ्य केंद्र आंगनवाड़ी में इसका एक भाग रखा रहता है। हाँ जी, अब मैं ये पूरा गांव को जाकर बताऊंगा, मिलने जुलने वाला सभी यार दोस्त लगे कि ये मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड कितना जरूरी है और टीकाकरण भी कितना जरूरी है। धन्यवाद आप लोग आए, और ना आप ऐसे सभी को भैया गांव में सबको ये सूचना देना है और बताना है कि हमारे बच्चों को टीकाकरण लगाने के लिए एक महिला की जवाबदारी नहीं है, पति पत्नी दोनों की जरूरत है। तो दोनों की छेन। धन्यवाद आप लोग आए। नमस्ते जी। अपनावना वाला बिंदु, मातृ शिशु रक्षा कार्ड में माँ और बाड़क का स्वास्थ्य न ये में उनका लगना वाला टीका न की जानकारी रहज। मातृ शिशु रक्षा कार्ड उस स्वास्थ्य केंद्र न आंगनवाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनावज। टीकाकरण बाड़क न ख सात जानलेवा बीमारी नसी बचावज। जन्म का तुरंत बाद ज बाड़क ख टीका लगनु शुरू ही जाज। बाड़क न ख टीकाकरण सभी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र न आंगनवाड़ी केंद्र में ग्राम स्वास्थ्य अरु पोषण आहार दिवस पर करियो जाज। अरु एक लेन कई भी पैसा नहीं लगज।